सौ करोड़ पर फिर महंगाई की मार, बढ़ती गर्मी के चलते बढ़ी सब्जियों के दाम। वशिनाका में एसआरए परियोजना के चलते सड़क पर उतरे लोग, कहा 10 साल से भटक रहे, आजाद मैदान में आंदोलन करने की दी चेतावनी। विधान भवन में छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो नहीं होने पर मचा बवाल, मुख्यमंत्री और सरकार की भूमिका पर मुनगंटीवार ने उठाया सवाल, फोटो नहीं तो पुतले के सामने करो अभिवादन, अजीत पवार का जवाब। विवाद के बाद विधान भवन में शिवाजी महाराज का फोटो लगाकर मनाई गई शिव जयंती, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शिवाजी महाराज का किया अभिवादन। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, हादसे में 23 वर्षीय युवक की मौत, एक बुजुर्ग घायल। अब मुंबई में घर खरीदना होगा महंगा, कच्चे माल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी। नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने कस्टडी 4 अप्रैल तक बढ़ाई। ठाणे के कलवा में गैस सिलेंडर विस्फोट, 4 लोग बुरी तरह झुलसे। हमारे ऊपर आए तो उंगली काट देंगे, महाराष्ट्र दिल्ली के सामने झुकेगा नहीं, संजय राउत की भाजपा को चेतावनी। मुंबई में गरीबों के लिए मॉल जैसी सुविधाओं के लिए लिफ्ट टू गिफ्ट फाउंडेशन ने शुरू की मुहिम, हर शनिवार एक व्यक्ति खरीद सकेगा 10 चीजें। छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में मनसे द्वारा धूमधाम से मनाई गई शिव जयंती, राज ठाकरे ने मन सैनिकों को दिलाई शपथ। बीएमसी के नोटिस के खिलाफ नारायण राणे ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा, मनपा ने राणे को बंगले में अवैध निर्माण तोड़ने को लेकर भेजे थे 2 नोटिस। सरकारी बस सेवाओं को डीजल के बढ़े दामों के दायरे से दे छूट, एनसीपी की पीएम मोदी से खास अपील। आमिर खान ने कश्मीर फाइल्स को लेकर दी अपनी राय, कहा ये फिल्म हर एक हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए। महाराष्ट्र फैमिली प्लानिंग किट में प्राइवेट पार्ट के मॉडल आशा वर्कर्स को शर्मिंदगी का सबब, चित्रा वाघ ने जताया एतराज। जनाब शब्द को लेकर शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने फडणवीस पर साधा निशाना, मजार पर सर झुकाते हुए फोटो की शेयर। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बीएमसी का बड़ा बयान, 4 वर्ष में वसूला गया करोड़ों रुपयों का जुर्माना। मुंबई में आज कोरोना के 27 नए मामले आए सामने, 229 केस एक्टिव। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर जल्द बनेगी मां, पति आनंद आहूजा ने बेबी बम के साथ फोटो की शेयर। वोट बैंक के लिए तिथि अनुसार मनाई गई शिव जयंती, खोपर शिव मुद्रा बोल के दिखाए अमोल मिटकरी ने मनसे पर साधा निशाना। शिव जयंती तिथि अनुसार ही मनाई जाएगी, जिनके आदर्श दाऊद हैं उन्हें शिवाजी महाराज पर बोलने का अधिकार नहीं, मनसे नेताओं का मिटकरी पर पलटवार। मुंबई में आज सोने चांदी के दामों में आई बढ़ोतरी, सोना 51,600 रुपए तोला, वही चांदी 68,300 रुपए किलो हुआ। मुंबई के शेयर बाजारों में आज आई गिरावट, 571.44 अंकों के गिरावट के साथ सेंसेक्स 57,292.49 पर हुआ बंद, 169.45 अंकों के गिरावट के साथ निफ्टी 17,117.60 पर रुका। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 99 मामले आए सामने, एक भी मौत नहीं। राज्य सरकार धान किसानों को तत्काल 600 करोड़ रुपयों की सहायता देगी, विधानसभा में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की घोषणा। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।